हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मेहता पीजी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम डॉक्टर सुनील चौधरी। सो लास्ट लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। तो अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात की थी कि इन्वायरमेंट साइंस जब अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। वो टर्मिनोलॉजी अपने को आनी चाहिए क्योंकि बार बार वो चीज़ें रिपीट होती हैं, तो उन सब का मतलब अपने को पता होना चाहिए। तो एक इकोलॉजिकल हायरकी में जो अपन यूज करते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद में बायोस्फीयर, फिर बायोम, ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी कि बायोम किसे कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर किसे कहेंगे अपन, इकोसिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद में आज अपने जो मेन टॉपिक हैं वो स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट और या कंसेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निकेत की बात करने वाले हैं अपन। एमएससी फाइनल पेपर सेकंड इन्वायरमेंटल बायो एंड इथोलॉजी। चलिए, सो आज का जो अपना टॉपिक है उसके अपन बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निकेत। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निकेत की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि हैबिटेट किसे कहेंगे और निकेत किसे कहेंगे, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हैबिटेट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसके बाद में फिर अपन निकेत की बात करेंगे। तो हैबिटेट किसे कहेंगे, पहली चीज़ अपने पास में आती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि वो प्लेस, हैबिटेट इज ए प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है। मान के चलिए मैं यहाँ इस जगह पे रह रहा हूँ, तो ये जो आसपास का जो एरिया है वो मेरा हैबिटेट है। ठीक है, हैबिटेट को अपन कई तरीके से जैसे कैटेगराइज करते हैं, तो हैबिटेट में अपन दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। देखिए, एक होता है हैबिटेट यूज और एक होता है हैबिटेट प्रेफरेंस। हैबिटेट यूज का मतलब है कि कुछ स्पीसीज सिर्फ किसी पर्पज से उसको यूज कर रही हैं। हैबिटेट का मतलब मैंने कहा कि जहाँ वो रह रहे हैं, वो चारों तरफ का जो एरिया वहाँ पे स्पीसीज रह रहे हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं अपन। और हैबिटेट में देखिए, कोई स्पीसीज उस हैबिटेट को सिर्फ यूज कर रही है, किस लिए यूज कर रही है, तो वो फीडिंग के लिए यूज कर सकती है या ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, वो सिर्फ यूज कर रही है या फिर नेस्टिंग के लिए यूज कर रही है, लेकिन उसको प्रीफर नहीं कर रही। ठीक है, और प्रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी आवास को प्रीफर करना, उस आवास में रहना, उस आवास में वही उसका आवास होगा जिसको वो प्रीफर कर रहा है। ठीक है, मान के चलिए किसी भी हैबिटेट के आज अपन बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व आपने बनाए हुए हैं, जैसे अपने इसकी बात करते हैं, झालाना की बात करते हैं, तो झालाना में लेपर्ड्स हैं, तो वहाँ का जो हैबिटेट है वो लेपर्ड के लिए सूटेबल है। ठीक है, जहाँ वो रह रहे हैं वो उनका हैबिटेट हो गया। अब उस हैबिटेट की बात करें कि वो उस हैबिटेट को प्रेफर कर रहे हैं कि उनको सारी चीज़ें वहाँ मिल रही है, वो प्रेफरेंस है, लेकिन कई बार वो आउट ऑफ हैबिटेट चले जाते हैं कि शहर से बाहर चले जाते हैं, शहर में आ गए, गांव में चले जाते हैं, तो वो उनका हैबिटेट नहीं है, वो सिर्फ या तो फीडिंग के लिए जा रहे हैं या फिर किसी और पर्पज से। कई बार क्या होता है, उनमें टेरिटरी की प्रॉब्लम आती है कि किसी एरिया में वो रह रहे हैं तो इनके एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी में अगर कोई दूसरा आ जाता है तो उसको वहाँ से खदेड़ते हैं, ये भगा देते हैं उसको, तो उस वजह से चला जाता है। तो हैबिटेट किसे कहेंगे, वो जोग्राफिकल एरिया जिसमें कोई भी स्पीसीज रह रही हो।
ठीक है, या लिविंग प्लेस ऑफ ए स्पीसीज। तो सिंपल सा अपन कह सकते हैं हैबिटेट इज ए लिविंग प्लेस प्लेस ऑफ ए स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का लिविंग प्लेस को अपन हैबिटेट बोलते हैं। अब देखिए हैबिटेट को कुछ कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं। हैबिटेट को अपन कई तरीके से डिवाइड करते हैं कि किस तरीके के हैबिटेट होते हैं। तो नॉर्मली जैसे अपन बात कर रहे हैं कि या तो फ्रेश वाटर हैबिटेट हो सकता है, फ्रेश वाटर, या फिर मैराइन वाटर हैबिटेट हो सकता है, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो समुद्र में मिलते हैं, मैराइन वाटर। उसके बाद में टेरिस्ट्रियल हैबिटेट हो सकता है या ब्रेकिस, ठीक है, या एस्चुरियन की अपन बात करते हैं, टेरिस्ट्रियल हो गया। और इसके बाद में एक जो आपका हैबिटेट होता है उसको बोलते हैं अपन एस्चुरियन। एस्चुरियन, ठीक है। इस तरीके से हैबिटेट को अपन चार कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हो गया आपके पास फ्रेश वाटर एनिमल, उसके बाद फ्रेश वाटर, उसके बाद में मैराइन वाटर, उसके बाद में टेरिस्ट्रियल, उसके बाद में एस्चुरियन, ठीक है। तो अपन इसी बेस पे देखिए बहुत सारे एनिमल्स को आप कहते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब जिस वाटर में वो रह रहे हैं वो उनका हैबिटेट है। बहुत सारे एनिमल्स के लिए आप कहेंगे कि हैबिटेट में वो कैसे हैं, मैराइन वाटर, यानी समुद्री जल में रहते हैं, तो जो समुद्र है वो उनका हैबिटेट हो गया। इसी तरीके से आप टेरिस्ट्रियल जो धरातल पे रहने वाले हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो टेरिस्ट्रियल पे रह रहे हैं, उसमें भी आप कहेंगे कि कुछ ग्रासलैंड में रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, और कुछ जो हैं वो डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। तो वो अपन टेरिस्ट्रियल में बात करेंगे। उसके बाद में कुछ स्पीसीज हैं जो एस्चुरियन में रहते हैं। एस्चुरियन का मतलब है कि जहाँ डेल्टा बनते हैं, आपके एस्चुरी बनते हैं, वहाँ पे भी कुछ स्पीसीज रहती हैं। तो वो स्पीसीज, वो एरिया उन स्पीसीज के लिए क्या हो गया, फ्रेश ये एस्चुरियन हैबिटेट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेती हैं कि फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर हैबिटेट के क्या एडेप्टेशन हो सकते हैं, और इसको किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो आपकी कैटेगरी है वो है फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका हैबिटेट फ्रेश वाटर होता है उनको अपन फ्रेश वाटर हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इसमें भी देखिए इनको दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैंडिंग वाटर और दूसरा रनिंग वाटर। यानी फ्रेश वाटर है उसके भी अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रनिंग वाटर, रनिंग फ्रेश वाटर या रनिंग वाटर, और दूसरा स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। दो कैटेगरीज में अपन ने यहाँ इसको डिवाइड कर दिया। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो स्टैंडिंग वाटर में रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रनिंग वाटर में रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका स्टैंडिंग वाटर वाला है इसको अपन लेंटिक भी बोलते हैं, रनिंग वाटर को लोटिक और इसको लेंटिक, लेंटिक और लोटिक, लोटिक
का मतलब होता है लुढ़कना, तो लुढ़कने का मतलब रनिंग। तो जो इस तरीके का हैबिटाट है जहाँ पानी कंटिन्यू बह रहा है, जैसे मान के चलिए आपकी रिवर्स हैं, ठीक है, उसके बाद में आपका स्ट्रीम है, रिवर है, स्ट्रीम है, तो ये कैसा है, लोटिक, यानी लुढ़कते हुए पानी लुढ़कते लुढ़कते मूव कर रहा है, यहाँ पे तो रनिंग हैबिटाट हो गया। यहाँ स्टैंडिंग लेंटिक का मतलब रुका हुआ पानी, कहीं पे भी ऐसा रुका हुआ पानी हो तो उसमें जैसे आपकी लेक हो गई, पौंड हो गए, ठीक है, उनको अपन स्टैंडिंग वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए फ्रेश वाटर की अपन बात कर रहे हैं कि वो स्पीसीज जो सिर्फ फ्रेश वाटर को प्रीफर करती हैं उसको अपन बोलते हैं फ्रेश वाटर हैबिटाट की स्पीसीज। अब इसमें जैसे फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं यहाँ रह रहे हैं उसमें कुछ एडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ देखिए जैसे फ्रेश वाटर जो हैबिटाट है ये बहुत कम एरिया को, स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है। मान के चलिए फ्रेश वाटर है जो कितना स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ वाटर, अर्थ सरफेस बोल सकते हैं, अर्थ सरफेस, और दूसरा कि फ्रेश वाटर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मैनकाइंड या ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैबिटाट है या बहुत सी स्पीसीज के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ ये हो गई कि ये बहुत कम एरिया को कवर करता है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ अपन बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता, जो फ्रेश वाटर का हैबिटाट है इसके टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन अपने को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप देखेंगे तो हार्डली वो अरेंज रहते हैं, एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हैं ये। इसमें अब देखिए कि जो इनको कई तरीके से क्लासिफाइड करते हैं और कई तरीके से कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर रिचनेस, ठीक है, बेस्ड ऑफ देयर पोजीशन इन द एनर्जी और फूड चेन, फूड चेन में इनकी क्या पोजीशन है इस तरीके से, और दूसरी फिर इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म में किस तरीके से, यानी कि ये बेंथेटिक होते हैं या फाइटोप्लैंकटन होते हैं, नेक्टोन्स होते हैं, उसके बाद में फिर अपन इनको ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से भी अपन इनको डिवाइड करते हैं, जैसे जिस एरिया में ये मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपन इनको डिवाइड करते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स और लेक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे पॉन्ड्स और लेक्स में अपन ने इनको डिवाइड कर दिया तो जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म हैं इन ऑर्गेनिज्म को अपन तीन कैटेगरीज में और यहाँ डिवाइड करते हैं कि देखिए तीन जोन होते हैं। आप कोई भी पोंड लेक वगैरह आप देखेंगे तो उसमें तीन जोन आपको दिखाई देंगे। मान के चलिए ये कोई ये पानी है आपका, इसमें ये पानी है इसमें पूरा का पूरा, और ये पानी कैसा है, ठहरा हुआ पानी है, यहाँ पे रुका हुआ पानी है, तो इसमें तीन जोन्स में ये डिवाइड होता है। इसमें तीन जोन अपन डिवाइड करके रखते हैं, एक तो ये जो किनारे वाला जोन है, ये वाला जोन है, ये वाला होता है एक, ये थोड़ा सा, एक तो ये जोन हो गया, एक ये थोड़ा सा बीच का जोन होता है, और एक नीचे नीचे वाला जोन होता है। तो जो ऊपर ही ऊपर वाला जो जोन होता है इसको अपन बोलते हैं लिटोरियल जोन, लिटोरियल जोन। उसके बाद में दूसरा जो जोन होता है उसको बोलते हैं लिमनेटिक जोन, लिमनेटिक जोन, और तीसरा जो जोन होता है उसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। तीन जोन्स में अपन डिवाइड करके रखते हैं। फर्स्ट जो जोन होता है उसको अपन बोलते हैं लिटोरियल जोन, यानी कि जो किनारों पर है, यानी एक तरीके से कहें जो जिसमें टेरिस्ट्रियल और
एक्वेटिक दोनों तरीके के कंडीशंस वहाँ पे हो, उस एरिया को अपन कहते हैं लिटोरियल, यानी कि किनारों वाला जो एरिया है, क्योंकि इसमें टेरिस्ट्रियल पार्ट भी है और एक्वेटिक पोर्शन भी है, दोनों है, तो इसलिए इस जोन को अपन बोलते हैं लिटोरियल जोन। यहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ मिलता है आराम से, लाइट भी यहाँ तक आराम से ईजी गोइंग पहुँच जाती है। दूसरा जोन होता है, उसको बोलते हैं लिमनेटिक जोन, यानी कि इस जोन में लाइट पेनेट्रेट कर जाती है, यहाँ तक ईजी गोइंग लाइट जाती है, ठीक है। तो दूसरा जोन होता है लिमनेटिक जोन, और तीसरा जो जोन है आपका, इसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन, इस जोन में, ये बॉटम वाला जोन होता है, इसमें लाइट ईजी गोइंग नहीं जाती। तो यहाँ इस जोन में जो रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोफंडल जोन में रहने वाले, वो ल्यूमिनिसेंट होते हैं, यानी कि वो लाइट इमिट करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, सरफेस से फ्लैट होते हैं, और सेंसरी ऑर्गन्स उनके साइज में लार्ज साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको कुछ दिखाई नहीं देता, लाइट नहीं आती यहाँ पर, तो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें कुछ इस तरीके के एडेप्टेशन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस एरिया को प्रीफर करते हैं, उस एरिया में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेश वाटर हैबिटाट। फ्रेश वाटर हैबिटाट का मैंने बताया आप लोगों को कि ये सरफेस एरिया का बहुत कम पोर्शन को कवर करता है, बहुत कम मीठा पानी है, आप ये देखिए फ्रेश वाटर है या काम में लेने वाला पानी है, बाकी बहुत सारा मैराइन वाटर है, 71% से अबव आपका वेस्ट वाटर या मैराइन वाटर है, बिना काम का है। इसके अलावा बहुत कम परसेंट है जो फ्रेश वाटर का है। फ्रेश वाटर को फिर अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक रनिंग वाटर और दूसरा स्टैंडिंग वाटर। रनिंग वाटर यानी लोटिक, एक जगह ठहरा हुआ पानी, और लेंटिक का मतलब एक जगह ठहरा हुआ पानी, और लोटिक का मतलब रनिंग, लुढ़कता हुआ पानी, मूव कर रहा है। तो एक तो रनिंग पानी में कुछ स्पीसीज रह रही होंगी, कुछ एक जगह ठहरे हुए पानी में रहती हैं, ठीक है, स्पीसीज दोनों जगह रह रही हैं। रनिंग वाटर में कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए वो मैराइन वाटर में जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो मैराइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो मैराइन वाटर में जाती है। मान के चलिए कुछ फिश स्पीसीज हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जाती है, मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आती है, तो वो इस तरीके के हैबिटेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट। उसके बाद में फिर अपन दूसरे हैबिटेट की बात करते हैं। दूसरा आपका हैबिटेट आता है मैराइन हैबिटेट। यानी कि मैराइन हैबिटेट की अपन बात करते हैं तो वो एरिया जहां सॉल्टी वाटर होता है, यानी जिस एरिया में या जो पानी वाला एरिया उसमें साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, उसको अपन मैराइन वाटर बोलते हैं। और मैराइन वाटर मोस्टली कहाँ मिलता है, सीज में, आपके समुद्रों में मिलता है मैराइन वाटर। तो वहाँ की कंडीशंस क्या होंगी, किस तरीके के एडेप्टेशन होंगे, क्या स्पीसीज होंगी वहाँ, तो फ्रेश वाटर की अपन बात करते हैं तो ये अपने जो सरफेस एरिया है उसका 70% तक है, 70% तक का जो सरफेस एरिया उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो मैराइन हैबिटेट है वो 70% सरफेस एरिया को कवर करता है, और ये डीप और कंटिन्यूस नहीं होता, यानी कि ये सेपरेटेड नहीं होता, जैसे कि अपन यहाँ बात कर रहे थे बाकी लैंड और वाटर में सेपरेट होता है। फ्रेश वाटर में अपन बात कर लेते हैं कि फ्रेश वाटर दोनों जगह लैंड और उसमें मिलता आपको कंटिन्यूस, लेकिन ये टोटल पानी पानी आपको मिलेगा, कहीं उसमें लैंड नहीं मिलेगा, तो डीप होता है और कंटिन्यूस, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये डीप, डीप और कंटिन्यूस होता है और नॉट सेपरेटेड। Separated in land and water, ठीक है, land और water में separate नहीं होता। तो इस तरीके के
ऑर्गेनिज्म को जो इस तरीके के हैबिटाट को प्रीफर करते हैं उसको मैराइन वाटर हैबिटाट बोलते हैं, या उन ऑर्गेनिज्म के लिए जिनकी आवास स्थली या हैबिटाट मैराइन वाटर होता है। मैराइन वाटर के जो ऑर्गेनिज्म या मैराइन की जो स्टडी है, समुद्र की जो स्टडी है, उसको ओसिनोग्राफी बोलते हैं अपन, ओसिनोग्राफी। और फ्रेश वाटर की जो स्टडी है उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी और ओसिनोग्राफी। ओसिनोग्राफी मतलब ओसिन की स्टडी करना, और ओसिन का मतलब समुद्र, और समुद्र का मतलब सॉल्टी वाटर, और साल्टी वाटर का मतलब मैराइन हैबिटाट। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब लिम्नोलॉजी, फ्रेश वाटर की स्टडी लिम्नोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में तीसरी कंडीशन अपने पास में आती है, तीसरा जो हैबिटाट का टाइप है वो है एस्चुरियन। एस्चुरियन हैबिटाट, ठीक है, एस्चुरियन हैबिटाट या एस्चुरी है, जो कई कोस्टल एरियाज हैं या रिवर माउथ्स हैं। तो रिवर जब समुद्र में गिरती है, ठीक है, रिवर जब समुद्र में गिरती है तो रिवर का जो माउथ है जहाँ से गिर रही है वहाँ पे एस्चुरी बनती है। ठीक है, समुद्रों में गिर रहे हैं, कुछ झरने समुद्र में मिल रहे हैं, तो वो एरियाज जहाँ पे रिवर या कोई समुद्र गिरता है, जहाँ डेल्टा बनता है या मुहाना बनता है, उसको अपन एस्चुरी बोलते हैं। तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो उस एरिया को प्रेफर करती हैं, क्योंकि देखिए वो जो एरिया है वो एक तरीके से इकोटोन है, और इकोटोन का कल मैंने आपको बताया था कि इकोटोन क्या है, एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन टू इकोसिस्टम। ये ट्रांजिशनल जोन है, इसका मतलब टेंशन वाला जोन है, टेंशन वाला जोन है इसका मतलब यहाँ जो हैबिटाट है, अच्छा हैबिटाट होगा, दोनों तरफ का इकोसिस्टम यहाँ है तो दोनों तरफ की स्पीसीज होंगी, सर्वाइबिलिटी एरिया या सर्वाइवल के लिए ज़्यादा कंडीशंस मिलेंगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से बहुत सारी स्पीसीज हैं जो इन तरीके के एरियाज को प्रेफर करती है। यहाँ भी अपन बात कर रहे हैं कि जो डेल्टा बन रहा है या एस्चुरी बन रही है, रिवर और समुद्र दो अलग अलग इकोसिस्टम जब मैच कर रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो इस तरीके के एरिया को प्रेफर करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ठंडा और गर्म जल की जो धाराएं चलती हैं, करंट्स चलती हैं, तो उसमें भी बहुत सी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो उस बीच के एरिया को प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हैबिटाट को अपन बोलते हैं एस्चुरियन हैबिटाट, या जिसमें जहाँ रिवर माउथ्स ओपन होता है, या कोई स्ट्रीम आकर रिवर में गिर रहा है, या रिवर कहीं समुद्र में गिर रही है तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं एस्चुरियन। ठीक है, उसके बाद में फिर अपना लास्ट का जो हैबिटाट है वो आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थल या लैंड, लैंड पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके हैबिटाट को अपन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं। यहाँ की कंडीशंस देखेंगे तो यहाँ मॉइस्चर, मॉइस्चर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में मॉइस्चर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। अभी अपन बात करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर्स भी क्या होते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपने। उसके बाद में यहाँ टेम्परेचर में आपको वेरिएशन मिलेगा, टेम्परेचर में आपको यहाँ वेरिएशन मिलता है, यानी टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, और रैपिड एयर सर्कुलेशन मिलता है। रैपिड एयर सर्कुलेशन मिलता है, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती है। आपने देखा होगा कि आंधी तूफान कहाँ चलते हैं, जहाँ रेगिस्तान ज़्यादा है, किसी सरफेस एरिया, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में अचानक वायु दाब का कम होना, एयर प्रेशर के अचानक कम होने से वहाँ पे क्या है, आंधी या तूफान चालू हो जाते हैं। तो आंधी और तूफान कब आते हैं, जब
अचानक वायुदाब कम हो जाता है, तो जो टेरिस्ट्रियल पार्ट है वहाँ वायुदाब अक्सर कम रहता है, इसलिए यहाँ तेज आंधियाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो रैपिड एयर सर्कुलेशन मिलेगा आपको और लैंड कंटिन्यूस नहीं मिलेगा आपको यहाँ भी। लैंड कंटिन्यूस का मतलब लैंड मिलेगा, कहीं वाटर मिलेगा, कहीं आपको डेजर्ट मिलेगा, उसके बाद में फिर कहीं वाटर मिल जाएगा, तो कंटिन्यू पूरे में आपको, पूरे टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में आपको कहीं लैंड नहीं मिलेगा पूरे में, कहीं आपको ग्रास लैंड मिलेंगे, कहीं फॉरेस्ट लैंड मिलेंगे, ठीक है, तो कंटिन्यूसली आपको लैंड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो हैबिटेट होता है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड को प्रीफर करते हैं, उसको अपन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को भी अपन फिर डिवाइड कर सकते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में और ग्रासलैंड में। ठीक है, तो जो आपका टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है इसको अपन तीन कैटेगरीज में फिर डिवाइड कर लेते हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट। ठीक है, तीन कैटेगरीज में अपन इसको डिवाइड करके रखते हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट लैंड। अब देखिए तीनों जगह के अलग अलग कंडीशंस होंगी, तीनों जगह के अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया है यहाँ का। तो यहाँ देखिए ग्रासलैंड में अपन बात करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन भी मिलेगा, रेनफॉल का वेरिएशन भी आपको मिलेगा। ग्रासलैंड में ग्रासेज प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसके बाद में डेजर्ट जो राजस्थान का जैसे मोस्ट ऑफ एरियाज को कवर करता है, जिसको अपन थार डेजर्ट बोलते हैं, यहाँ की कंडीशंस अलग होंगी। उसके बाद में फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं, फॉरेस्ट को भी अपन कई तरीके से डिवाइड कर रखा है, जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट है आपका, उसके बाद में चलिए देखते हैं फिर आगे अपन जब बायोम पढ़ेंगे वहाँ इनका डिस्कस करते हैं। तो इनकी भी इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो सब में अलग अलग होती हैं। तो आपका यहाँ ग्रासलैंड की कंडीशंस अलग होंगी, यानी यहाँ जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके लिए इन्वायरमेंट अलग तरीके का होगा। डेजर्ट में आप देखेंगे, देखिए डेजर्ट वाले जैसे ऑर्गेनिज्म की अपन बात करते हैं तो वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, या फिर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म डे टाइम में बाहर नहीं निकलते। वहाँ की जो प्लांट स्पीसीज हैं उनमें पत्ते नहीं होते, यानी कांटे होते हैं, तो पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता। ऑर्गेनिज्म है जो नाइट को बाहर निकलते हैं, दिन के समय बहुत कम एक्टिव होते हैं, या फिर जो लार्ज एनिमल्स हैं उनका जनरल बॉडी सरफेस और जो अर्थ सरफेस है उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होती है, जैसे कैमल की आप बात करते हैं, ठीक है। और वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे जो आपके प्रीडेटर्स हैं उनसे वो फूड लेते हैं, तो उसी से जो पानी मिलता है उसी से काम चलाते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है इस एरिया में। और उसके बाद में फॉरेस्ट लैंड है जहाँ आपको पतझड़ वाले फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज के आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ये आपका टेरिस्ट्रियल पार्ट है। तो पूरे के पूरे आपने हैबिटेट को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया कि हैबिटेट, पहले तो अपने ये देखा कि हैबिटेट किसे कहते हैं, तो हैबिटेट अपन ने कहा कि एक तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग पैलेस, लिविंग प्लेस को अपन ने हैबिटेट कहा। फिर अपन ने कैटेगराइज किया चार कैटेगरीज में, फ्रेश वाटर हैबिटेट, फिर मैराइन वाटर हैबिटेट, फिर एस्यूरियन वाटर हैबिटेट और उसके बाद में टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। फ्रेश वाटर को अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, रनिंग वाटर और स्टैंडिंग या लोटिक और लैंटिक। यहाँ फिर अपन ने टेरिस्ट्रियल को कैटेगराइज किया ग्रासलैंड में, डेजर्ट में और फॉरेस्ट लैंड में। तीन चार तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं, इनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं तीनों जगह की, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने हैबिटेट को देखा कि हैबिटेट क्या होता है और क्या इसके टाइप्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं इकोलॉजिकल निकेत की बात करते हैं। इकोलॉजिकल निकेत,
कोई निकेत बोलता है, कुछ निके बोलते हैं। देखिए कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि निकेत किसे कहेंगे अपन, किसी स्पीसीज़ की फंक्शनल रोल, किसी एरिया में कोई स्पीसीज रह रही है, किसी भी इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज रह रही है, किसी प्लेस पे स्पीसीज रह रही है, उसका उस एरिया में क्या रोल है, उसको अपन निके कह रहे थे। तो जो निके वर्ड है ये एक साइंटिस्ट है ग्रीनेल, एक साइंटिस्ट है ग्रीनेल जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। ग्रीनेल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इकोलॉजिकल निके को प्रपोज किया था और इन्होंने बताया था कि निके अपन किसे कहेंगे, कोई भी स्पीसीज है उसका यूनिक या क्या फंक्शनल रोल है, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है, उसको अपन निके कहते हैं। चलिए तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन अपन देना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि ए निके इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ ए स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि ए निके इज द यूनिक, ठीक है, निके इज द यूनिक फंक्शन और यूनिक फंक्शन और रोल ऑफ ए स्पीसीज, या एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि किसी स्पीसीज का फंक्शनल एड्रेस क्या है। भाई आप मान के चलिए कोई स्पीसी, अपन भी कहीं काम करने जा रहे हैं तो वो अपना आपका एड्रेस हो गया फंक्शनल एड्रेस। तो इसी तरीके से कोई भी स्पीसीज है किसी जगह पे रह रही है तो उसका क्या फंक्शनल रोल है वहाँ पे, क्या उस इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करता है, तो इसलिए उसको अपन निकेत बोलते हैं। तो एक तरीके से कहें कि ये इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट ए स्पीसीज नीड टू सर्वाइव, कि एक स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए जितने भी हेल्दी रहने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए उन सब का डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पे। भाई किसी भी एरिया में कोई स्पीसीज क्यों रहेगी, कोई मान के चलिए कोई स्पीसीज इस एरिया को क्यों प्रीफर करेगी। अभी मैंने बताया था कि हैबिटाट कोई स्पीसीज क्यों यूज़ करेगी, वो इसलिए यूज़ करेगी कि वहाँ की कंडीशंस उसके सर्वाइबिलिटी के लिए अच्छी कंडीशंस हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई स्पीसीज इस एरिया में रह रही है, अपन कह रहे हैं कि फंक्शनल एड्रेस ऑफ ए स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के फंक्शनल एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो कोई स्पीसीज यहाँ रह रही है इसका मतलब इसमें जो भी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं जो इसके सर्वाइवल के लिए, इसको रिप्रोडक्शन के लिए या इसके लिविंग के लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए होते हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ, या सारे फैक्टर्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस जगह को अपन बोलते हैं निकेत। या और अपन कहना चाहें इसको तो अपन कह सकते हैं निके इज यूनिक फॉर ए स्पीसीज विच मीन्स नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निके, यानी कि कोई भी दो स्पीसीज का एक निकेत नहीं हो सकता, कोई भी स्पीसीज का एक जगह कोई भी दो स्पीसीज अपना फंक्शनल रोल प्ले नहीं कर सकती। इकोलॉजिकल निके के हिसाब से अपन कह सकते हैं कि निके इज यूनिक फॉर स्पीसीज, हर स्पीसीज के लिए यूनिक होता है। ठीक है, उसके बाद में निके प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के संरक्षण में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोलॉजिकल निके ऑर्गेनिज्म के कंजर्वेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो निके है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। टाइप्स ऑफ निके की बात करते हैं अपन कि निके कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए पहला जैसे हैबिटाट निके, हैबिटाट निके, उसके बाद में दूसरा जो टाइप है इसका उसको अपन जैसे फूड निके बोल सकते हैं,
उसके बाद में तीसरा जैसे अपन बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव नीके, और चौथा जैसे अपन इसको बोल सकते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल नीके, फिजिकल एंड केमिकल, केमिकल नीके, ये चार तरीके से अपन नीके को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट नीके की। हैबिटेट का मतलब अब मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है, लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में रह रहा है तो वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक तरीके से आवास का काम करता है या हैबिटेट का काम करता है। उसके बाद में दूसरा अपन बात करते हैं कि फूड नीके, यानी कि वो क्या खा रहा है उस एरिया में कहीं रह रहा है, तो व्हाट इज ईट्स, यानी पहला हो गया वेयर इट लिव्स, ठीक है। दूसरा अपन फूड नीके की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज फूड, ठीक है, फूड क्या है, कहाँ रह रहा है और उसका फूड क्या है, यानी कि वो स्पीसीज है तो उसमें या डीकम्पोजर्स है या और कोई तरीके से वो फूड कर रहा है वहाँ। रिप्रोडक्शन की फिर बात कर रहे हैं अपन तो हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, ठीक है, हाउ एंड व्हेन रिप्रोड्यूस, कोई स्पीसीज कैसे रिप्रोडक्शन कर रही है या फिर किस टाइम पे वो रिप्रोड्यूस कर रही है अपने आप को, तो वो क्या इन्वायरमेंटल वहाँ की कंडीशंस होंगी, उसकी बात करते हैं अपन रिप्रोडक्टिव नीके में। और उसके बाद में लास्ट वाला जो पैरामीटर है आपका, उसमें अपन कह रहे हैं कि फिजिकल और केमिकल नीके, यानी टेम्परेचर है, लैंड है, उसके बाद में ह्यूमिडिटी है और अदर रिक्वायरमेंट जो भी है, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, इसके अलावा और आपका लैंड है जिसको वो यूज कर रहे हैं और अदर रिक्वायरमेंट हो सकती है, वाटर है, लैंड एंड अदर्स, ठीक है। तो नीके को अपन चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट हो गया हैबिटेट नीके, दूसरा हो गया फूड नीके, तीसरा हो गया रिप्रोडक्टिव नीके, चौथा हो गया फिजिकल और केमिकल नीके, ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्ड को समझा आपने कि नीके किसे कहते हैं। नीके अपन ने कहा किसी भी स्पीसीज का फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल और फंक्शनल एड्रेस भी बोल सकते हैं, फंक्शनल एड्रेस ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है। अब देखिए एक स्पीसीज का फंक्शनल एड्रेस की बात कर रहे थे अपन, तो उस स्पीसीज वहाँ क्यों रहेगी, कि इस उस एरिया को क्यों प्रीफर करेगी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि उसके सर्वाइवल के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए, उसके लिविंग के लिए सारी कंडीशंस वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो स्पीसीज वहाँ रहेगी, उस एरिया को प्रेफर करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले हैबिटेट नीके की बात की अपन ने कि वेयर इट लिव्स, यानी वो कहाँ रह रहा है, किस तरीके के हैबिटेट को प्रेफर कर रहा है। हैबिटेट में मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर हो सकता है, मैराइन वाटर हो सकता है, टेरिस्टियल वाटर हो सकता है, इसके अलावा एस्चुरियन हो सकता है, तो उसका हैबिटेट किसी भी तरीके का हैबिटेट हो सकता है। तो कोई स्पीसीज फ्रेश वाटर में उसका फंक्शनल रोल क्या है, तो उसका हैबिटेट नीके हो जाएगा फ्रेश वाटर। इसी तरीके से अगर वो टेरिस्टियल वाटर में रह रही है, ग्रासलैंड में रह रही है, डेजर्ट में रह रही है, तो उसका हैबिटेट हो जाएगा। तो वेयर इट लिव्स, कहाँ रह रही है, उसी तरीके से दूसरा आता है फूड नीके, उस एरिया में रह रही है लेकिन वॉट इज़ फूड, कि वहाँ उसका फूड क्या है,
क्या खा रही है, कोई भी स्पीसीज किसी एरिया को क्यों प्रीफर करेगी, क्योंकि उसके लिए वहाँ की कंडीशन सूटेबल होंगी, फूड प्रॉपर मात्रा में होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रॉपर होंगी, तो वो स्पीसीज वहाँ सर्वाइव करेगी, उसके रिप्रोडक्शन के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो वो स्पीसीज वहाँ रहेगी, तो वहाँ का फूड कैसा है, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव नीचे हाउ एंड वेन, कब और कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कि इनका रिप्रोडक्शन का सीज़न क्या होगा और किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को उस एरिया में, उसके कौन से मेथड यूज़ करते हैं वो, उसके बाद में फिजिकल और केमिकल नीके की बात की, क्योंकि ये सब चीज़ें एक नीके के लिए होना ज़रूरी है, उसमें जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, लैंड है और अदर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई केमिकल फैक्टर्स है या फिजिकल फैक्टर्स है अदर जो नीके के लिए अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें होना ज़रूरी है, इसलिए कोई स्पीसीज किसी एरिया में अपना फंक्शनल रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से सफिशियंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स की, कि अभी अपन ने एक जगह यूज़ किया था एक टर्म कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कि ह्यूमिडिटी लिमिटिंग फैक्टर्स की तरह काम कर रही थी, तो अपन बात करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर कोई भी चीज़ मिनिमम, अगर मिनिमम क्वांटिटी में है तो वो इफ़ेक्ट करेगी। जैसे आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इसेंशियल हैं, ठीक है, तो वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट आपको देखना पड़ेगा। इस इफ़ेक्ट उसका आप देखेंगे तो प्लांट्स में जैसे उनके लीव्स में चेंजेज आ जाएंगे, उनकी हाइट में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, या एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है सेम। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लिमिटिंग फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट में वो फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।